नमस्कार, सुबह स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं शेतांकर। पीएम नरेंद्र मोदी के राजस्थान दौरे के साथ यहां चुनावी बिगुल फूक गया है। लगातार एक दूसरी सरकारों के कामकाज का हिसाब किताब ट्रांसफर किया जा रहा है। कांग्रेस भी कल से आंदोलन शुरू कर रही है। चुनावी मौसम का आगाज से जाहिर है कि आरोप प्रत्यारोप का दौर अभी और तेज होगा, लेकिन जनता तो बुनियादी सुविधाओं से जूझती है। आज चर्चा करेंगे इसी मुद्दे पर। राजस्थान में चुनावी बिगुल बज चुका है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के ठीक एक दिन बाद से ही सियासत गर्मा गई। कांग्रेस किसानों के मुद्दे को लेकर 1 सितंबर से आंदोलन करेगी। दरअसल कांग्रेस को दिक्कत इससे भी है कि उदयपुर आते हैं, करोड़ों की योजनाओं की सौगात देते हैं, लेकिन बाढ़ पर पैकेज क्यों नहीं देते हैं। इसके बाद सचिन पायलट ने आगे आकर निशाना साधा, न सिर्फ राज्य की वसुंधरा सरकार पर बल्कि केंद्र की मोदी सरकार पर भी, कि ये आते हैं और मतलब की बात नहीं करते, अपने मतलब की बात सुना कर चले जाते हैं। लिहाजा कांग्रेस सभी जिला मुख्यालयों पर सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करेगी। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने उदयपुर में मंच से किसानों के मुद्दे पर क्या कुछ कहा और सचिन पायलट ने क्या जवाब दिया, आइए सुनाते हैं। मैं राजस्थान के इन बाढ़ पीड़ित भाइयों बहनों को, किसानों को विश्वास दिलाता हूं कि संकट की घड़ी में भारत सरकार पूरी तरह आपके साथ खड़ी रहेगी। और इस संकट से बाहर निकल करके एक नए विश्वास के साथ हम सब आगे बढ़े, इसके लिए मिलजुल करके भरपूर प्रयास भी करेंगे। तो अगले महीने से पूरे प्रदेश में हम किसान रैलियां करेंगे, सरकार को मजबूर करेंगे कि ऋण माफी करें। और किसान अगर ऋण माफी की मांग करते हैं तो उनका अधिकार है। इतने किसान आत्महत्या कर रहे हैं और बड़े बड़े उद्योगपतियों को लाखों करोड़ रुपए माफ कर रहे हो और गरीब किसान आत्महत्या कर रहे हैं, उसके प्रति कोई जिम्मेदारी सरकार की नहीं है। और उधर पीएम मोदी ने पिछले सरकारों पर तंज कसते हुए कहा कि पूरी व्यवस्था चरमरा गई है, 10 साल में हमको कुछ नहीं मिला। हम चुनौतियों से घबराने वाले लोग नहीं है, हम दरअसल उस मिट्टी के लोग हैं जो चुनौतियों को भी उपलब्धियों में बदल देते हैं। और इस पर भी सचिन पायलट ने जवाब दिया, ऐसे हालात छोड़ के गए हैं सारी व्यवस्था ऐसी चरमरा गई है, बुराइयां इतनी प्रवेश कर चुकी है, अगर कोई ढीला ढाला इंसान होता तो शायद उसको देखते ही डर जाता। लेकिन हम जरा अलग मिट्टी के बने हुए हैं। रूलिंग पार्टी के विधायक महोदया है, उनकी दुर्भाग्यपूर्ण जो मौत हुई है, ये कोई छोटा मैटर नहीं है, क्योंकि इसमें सरकार का जो फंक्शनिंग है, सरकार की जो संकल्प शक्ति है स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के बारे में, वो साफ साफ दिखती है। आप अपनी पार्टी के विधायक को अगर मशीन के अभाव में, ऑक्सीजन के अभाव में उसकी जान नहीं बचा पा रहे हैं, और डॉक्टर्स कह रहे हैं कि अगर थोड़ा समय से काम किया जाता है, मशीन मिल जाती, हो सकता है उनकी जान बच जाती, तो मैं तो मुझे दुख इस बात का हो रहा है कि जो हमारे विधायक और बड़े बड़े नेता हैं वो भी रूलिंग पार्टी के, अगर उनकी स्वास्थ्य की व्यवस्थाओं की ये दशा है तो बाकी ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों का क्या हाल होता होगा। तो दरअसल ये इससे देश का दुर्भाग्य कहा जाएगा कि यहाँ पर सत्ता पक्ष और विपक्ष सिर्फ एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। जनता को जो हिसाब देना चाहिए होता है उसके बजाय ये लोग पर्सनल छीटा कसी पर उतर आते हैं। एक दूसरे की सरकार के दौरान हुई मौतों, एक दूसरे की सरकार के दौरान हुए वारदातों, एक दूसरे की सरकारों के दौरान हुए घोटालों को उठाया जाता है, लेकिन हकीकत है वो हम आपको ग्राफिक के जरिए दिखा रहे हैं कि राजस्थान में पिछले 4 साल में जो
साढ़े तीन साल शानदार, चार साल बेमिसाल, सरकार का एक साल पूरा होने के बाद एक मेगा शो हुआ वसुंधरा राजे सरकार का एक साल, उसके बाद दूसरा साल, तीसरे साल रिसर्जेंट राजस्थान, चौथे साल ग्राम और ये पांचवा चुनावी साल है। लेकिन हकीकत वो है, वो मैं क्या बोलूं, अपने मुंह से आप सभी लोग देख लीजिए और सुन लीजिए कि साफ सफाई की व्यवस्था चरमरा गई है, स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई हैं, खुद के विधायक स्वाइन फ्लू से मर रहे हैं, फसल के नुकसान से किसान परेशान है, बाढ़ से जनता में हाहाकार है, लाखों कर्मचारी इन चार सालों में हड़ताल पर बैठे, सड़क की हालत खस्ता है। लेकिन सरकार कहती है कि शहरी ग्रामीण विकास पथ, ग्रामीण विकास पथ, ग्रामीण गौरव विकास पथ, प्राइमरी स्कूल की हालात किसी से छिपे नहीं। मंत्री सिर्फ इस तरह से बयान देते हैं कि जितनी चिट्ठियां ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए आती हैं, इतनी और किसी काम के लिए नहीं आती है। दरअसल ये भी एक दूसरे पर टोपी ट्रांसफर करने की कोशिश। और राजस्थान को मिली 20 सौगात के लिए गृहमंत्री गुलाब चंद कटारिया ने पीएम का आभार जताया और उन्होंने कांग्रेस से कामकाज का हिसाब मांगा। उनके पास जो तर्क हो, जो उनके पास बही खाते हो, जब से उन्होंने देश संभाला तब का लेके आ जाएं। और मैं अपने छोटे से कार्यकाल में जो कुछ हमने और हमारे अटल जी के समय से लेकर अब तक किया है मुकाबला कर लें, देश की जनता तराजू के दोनों ताकड़ी में रख करके उठा लें ईमानदारी से कि मेवाड़ को उन सारे वर्षों में ज़्यादा मिला या केवल और केवल अटल जी और अभी हमारी सरकार जो केंद्र में आई उसमें अधिक मिला है, जनता इसका फैसला कर लेगी। तो करीब करीब 200 विधानसभा सीटों में से जो संभाग वाइज अगर बांटे तो उदयपुर के से 28 आती हैं और मेवाड़ में 26। लिहाजा गुलाब चंद कटारिया की जिम्मेदारी भी बढ़ती है, अहम ओहदे पर है, गृहमंत्री हैं। लेकिन अगर आपको बात करें लॉ एंड ऑर्डर की तो सभी बड़े संभागों में, खासकर जोधपुर में जहां कमिश्नरी व्यवस्था लागू है, जयपुर में जहां कमिश्नरी व्यवस्था लागू है, पुलिस वाले सुसाइड करते हैं, पुलिस वालों पर आरोप लगते हैं, थाने में मामला दर्ज नहीं होता, अदालत से परिवाद दर्ज कराए जाते हैं। लेकिन गुलाब चंद कटारिया आंकड़ों में बताते हैं कि क्राइम ग्राफ राजस्थान में कम हुआ है। हालांकि अगर हम सरकारी आंकड़ों की बात करें, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, तो राजस्थान जो है वो कई मामलों में आपको टॉप 3 में मिलेगा, चाहे महिलाओं के अपराध हो। कांग्रेस कहती है कि महिला मुख्यमंत्री के राज में बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं, और ये मामला भी कटारिया के जिम्मेदारी के अंतर्गत आता है।